अस्सलामुअलैकुम। कराची में अब अफसोसनाक वाकिया, लांडी की मजीद कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में लांडी के इलाके मजीद कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गईं। आपसी झगड़े में फायरिंग से दो अफराद जख्मी हुए, जबकि डंडों के वार से तीन अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों को रेस्क्यू रजाकारों ने एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया। फायरिंग से जख्मी होने वालों की शनाख्त 25 साल इरफान और 22 साल हबीब के नामों से हुई। डंडों के वार से जख्मी होने वालों में एक की शनाख्त जुबैर के नाम से हुई। वाकये की इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पाया। ताहम आखिरी इतलात तक इलाके में सूरत हाल कशीदा है और पुलिस की नफरी इलाके में मौजूद है।